सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होप आप सब बड़े होंगे। मेरा नाम है रतन दादा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है दी टेकमेन। तो गाइस, आज मैं आपको मेरा यूट्यूब स्टूडियो दिखाने वाला हूँ। इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन 160 सब्सक्राइबर के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर आपको भी यूट्यूब स्टूडियो बनाना है अपने घर में तो आप भी सीख सकते हैं, इसलिए वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें जुगाड़ से किया है। सो आप भी वो सीख सकते हैं और आप अपना खुद का यूट्यूब स्टूडियो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सेटअप स्टूडियो। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं लैपटॉप की तरफ। लैपटॉप है मेरा HP पैवेलियन। इसमें ग्राफिक कार्ड है 1650 Ti का और प्रोसेसर है ये है AMD Ryzen सीरीज 5 का। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, वीडियो एडिटिंग हो मतलब थंबनेल बनाने का हो दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है वंडरशेयर का फिल्मोरा 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मॉनिटर है लेकिन ये मॉनिटर नहीं है, ये है ऑल इन वन PC, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड करके मॉनिटर बनाया है। अगर इसकी वीडियो आपको देखने की है तो मैंने YouTube पे डाल रखी है। तो जो मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ ये है कैनन का SX430। ये सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए, क्योंकि वीडियो शूटिंग इससे नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉइंट एंड शूट कैमरा है। इसमें वीडियो भी अच्छी नहीं बनती और माइक लगाने का, एक्सटर्नल माइक लगाने का पोर्ट भी नहीं है इसके पास। तो दूसरा हम देखते हैं मेरा कीबोर्ड। कीबोर्ड है LiveTech का मैकेनिकल, गेमिंग के लिए मैं लेके आया था, अभी एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। दूसरा है माउस, ये है एंड ईस्पोर्ट्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्राइपॉड, इसका मैंने YouTube पे शॉर्ट डाला है। ये बहुत ही यूजफुल ट्राइपॉड है, अगर आपको देखने का है तो आप चैनल पे आके देख सकते हो। और जो हमारा मेन ट्राइपॉड है अभी वो दिखाता हूँ आपको। तो ट्राइपॉड रहने दीजिए, सबसे पहले मैं आपको LED लाइट्स का बताता हूँ मैंने कैसे लाइट्स की। ये जो आप देख सकते हो ये लाइट्स कैसे लगाई है, तो आप देख यहाँ से स्विच ऑन किया है और ऐसी लाइट आई है। और ये इसका रिमोट है, यहाँ पे आप कलर बदल सकते हो, बहुत सारे हैं आप देख सकते हो, ग्रीन ब्लू, फिर उसके बाद ये सारी फंक्शंस भी है इसमें। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, फ्लैश, ट्रॉब, ये फेड वाला है और ये स्मूथ। और ये इतना महंगा भी नहीं है, आप जिसको भी यूट्यूब का स्टूडियो बनाना है खुद का LED चाहिए तो ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, कम रेट में भी मिलता है, इतना भी महंगा नहीं है, आप आराम से खरीद सकते हो। और जो अभी हम ट्राइपॉड की तरफ आते हैं, ये हमारा मेन ट्राइपॉड है। यहाँ पे कैमरा फोटोशूट के लिए भी लग सकता है। और यहाँ पे मैं जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ मेरे मोबाइल से, ये वहाँ पे लगा के मैं शूट करता हूँ पूरा मेरा यूट्यूब वीडियो। तो अभी मैं आपको ग्रीन स्क्रीन दे, ये जो आप पीछे दीवार देख रहे हो यहाँ पे मेरी ग्रीन स्क्रीन लगती है। कभी कभी इधर ऐसे बैठ के अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, खड़ा होके शूट करना होगा और बैकग्राउंड मेरे को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रस्सी लगाई है ऐसे, और हमको जब भी शूट करना है ये जो मेरी ग्रीन स्क्रीन है मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। और यहाँ पे जो है वो स्विच बोर्ड है, यहाँ से एक्सटेंशन बॉक्स कनेक्ट होता है। तो ये सारा शूट मेरा स्टूडियो का सेटअप है। तो गाइस ये सारा ऐसे हम शूट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि मेन है ये वो लाइट्स का, तो जो सॉफ्ट बॉक्स हमने रूम पे ही बनाया है तो आपको सॉफ्ट बॉक्स दिखाता हूँ। ये देखिए कार्डबोर्ड पेपर यूज़ करके हमने बनाया है और लगा के भी दिखाते हैं, बहुत कम है, आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए अच्छी खासी लाइटिंग भी आती है। तो सो ऐसे हमने दो बनाए हैं, अगर ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है तो दो लगाते हैं, नहीं तो एक सफिशियंट होता है। तो यही था हमारा सब स्टूडियो का सेटअप। सो गाइज यही थी मेरे स्टूडियो की टूर, छोटा है स्टूडियो लेकिन भी बनेंगे कामयाब कभी ना कभी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि वीडियो आने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। क्योंकि क्या है, बहुत सीजन आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मेरा टारगेट है 1K तक कंप्लीट करने का है इस मंथ से पहले, प्लीज़ मेरे को हेल्प करो वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।